हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल मुजो कार्ट अटैक पे। आज जो गाड़ी हम अटेंड करने जा रहे हैं उसमें कस्टमर का कहना है कि मेरी गाड़ी व्हाइट स्मोक दे रही है। बहुत ही ज्यादा लंबा राउंड लेने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती है, और जब गाड़ी स्टार्ट होती है तो बहुत ही ज्यादा मिसिंग कर रही है। तो चलिए लैपटॉप लगाते हैं गाड़ी में और देखते हैं हमें क्या फॉल्ट कोड देखने को मिलते हैं। तो जब हमने गाड़ी को लैपटॉप के साथ कनेक्ट करा था, हमें कुछ ये तीन फॉल्ट कोड देखने को मिले हैं। जो पहला फॉल्ट कोड है 0323, जो हमारा इंजेक्टर सोलोनेट ड्राइवर 5 सर्किट का आ रहा है, मतलब हमारा 5 नंबर सिलेंडर ओपन सर्किट कहीं पे हो रहा है। और जो दूसरा फॉल्ट कोड है वो 325 है, इसमें बता रहा है कि 6 नंबर सिलेंडर ओपन सर्किट हो रहा है, यानी 6 नंबर का नोजल का वायर में कहीं प्रॉब्लम है। और 0332 आ रहा है, उसमें हमारा 4 नंबर का बता रहा है। अगर हम इसको गौर से देखेंगे तो हमें फॉल्ट कोड जो देखने को मिल रहे हैं 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इंजेक्टर के ओपन सर्किट दिखा रहा है। फ्रेंड, इस केस में हमें जहां तक फॉल्ट कोड देख के हमें ये लग रहा है कि इस फॉल्ट कोडों में ओपन सर्किट की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर ओपन सर्किट होगा तो कोई 1 नंबर का हो सकता है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, किसी एक इंजेक्टर का हो सकता है। 3 के 3, 7 के इंजेक्टर की प्रॉब्लम ओपन सर्किट की नहीं हो सकती है। जहां तक हमें लगता है इसके अंदर कहीं ना कहीं जो इंजेक्टर है, हमारी नोजल है, कोई सी एक नोजल शॉर्ट हो रही है। वो कौन सी है वो हमें चेक करना पड़ेगा। 4 नंबर की नोजल शॉर्ट है, 5 की है या 6 है। और एक पॉसिबिलिटी और भी है कि हो सकता है हमारा इशू खराब हो। उस पे हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। तो फ्रेंड, आप सभी लोगों ने इशू तो देखा ही होगा। इशू के अंदर 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, वो देखने में कुछ ऐसे होते हैं जैसे आपने घरों में पंखों में कैपेसिटर लगे हुए देखे होंगे, वो उस प्रकार के कैपेसिटर होते हैं। जो 1 नंबर कैपेसिटर होता है वो 1 नंबर नोजल, 2 नंबर नोजल और 3 नंबर नोजल को सप्लाई देने का काम करता है। और जो दूसरा कैपेसिटर होता है वो इंजेक्टर को, जो हमारे नोजल होते हैं, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर को सप्लाई देने का काम करता है। तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हमारा जो कैपेसिटर है वो 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर सप्लाई देने वाले को अंदर से कई बार वो खराब हो सकता है, जिसमें हमारे ये तीनों ही ओपन सर्किट दिखाने लग जाते हैं। दूसरा, अगर हमारा कोई इंजेक्टर भी शॉर्ट हो जाएगा तो भी हमारा करंट ड्रॉप हो जाता है, कैपेसिटर काम करना बंद कर देता है। उस कंडीशन में तो हमारे ये सारे ही इंजेक्टर 3, 4 और 5 ये दिखाने लग जाएंगे, सॉरी 4, 5, 6। और अगर हमारा 1 नंबर कैपेसिटर खराब होगा तो यहाँ पर हमें फॉल्ट कोड जो देखने को मिलेंगे वो इंजेक्टर का 1, 2 और 3 दिखाई भी देगा। तो हम, अगर आपको कभी भी 1, 2, 3 या 4, 5, 6, यानी 3 3 के अलग अलग ग्रुप के अगर आपको इस प्रकार दिखाई दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, सीधा सा ही आपके दिमाग में यही होना चाहिए, या हमारा कोई इंजेक्टर शॉर्ट हो रहा है या हमारा इश्यू का जो कैपेसिटर अंदर है उसमें वो चीज खराब हो गई है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं कि इस चीज को हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारे नोजल में प्रॉब्लम है या इश्यू में प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम टैपेट कवर खोल लेते हैं और उसके बाद हम एक एक नोजल के कनेक्शन हटा के देखेंगे और गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा कोई भी इंजेक्टर शॉर्ट हुआ तो बाकी के फाल कोड हट जाएंगे, जैसे कि हमने 4 नंबर का इंजेक्टर का इंजेक्टर की तारें खोल के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो हमारा, अगर यह शॉर्ट हुआ तो 4 और 5 नंबर में हमारी सप्लाई जाने लगी होगी और ये इनएक्टिव हो जाएंगे। और इसकी तो हमने तार खोली होगी, यही एक इनएक्टिव में, वो एक्टिव में बचा रहेगा, बाकी हट जाएंगे। अगर हमारा ये सही हुआ तो भी हमारे ये फॉल्ट कोड नहीं जाएंगे। इसी प्रकार हम एक 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 इंजेक्टर के वायर खोल के गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। अगर हमारा इंजेक्टर खराब हुआ, कोई सा भी, बाकी के दो, जिसकी भी हमने वायर खोल रखी है, बाकी के 2 इनएक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए टैपेट कवर खोल लेते हैं और फिर एक एक इंजेक्टर के वायर हटा के हम चेक करते हैं। नंबर के वो नोजल हटाओ एक बार, 4 नंबर ही, कोई सी भी 4, 5, 4 ले लो या 6 ले लो, कोई सी भी एक साइड के हटाओ, वो करो, उन तारों को ना दूर करके रखना, कहीं शॉर्ट नहीं हो, बॉडी के साथ शॉर्ट नहीं हो, आपस में नहीं हो शॉर्ट, ठीक। और गाड़ी स्टार्ट करवाएंगे, गाड़ी स्टार्ट करो,
गाड़ी बंद करो, 6 नंबर की वापसी लगाओ और 5 नंबर की हटाओ। हाँ गाड़ी स्टार्ट करो। बंद करो गाड़ी, चाबी ऑन कर दो, 5 को लगाओ और 4 को हटाओ। ये 4 नंबर के, हाँ ठीक है हटाओ तो। पकड़ के रखना, आपस में शॉर्ट नहीं और बॉडी के साथ नहीं हो। स्टार्ट करो गाड़ी, जैसे आपने देखा कि हमने चारों इंजेक्टर के एक एक वायर हटा के देखे और गाड़ी को स्टार्ट कराया तो हमारे कोई से भी फाल्कन इनएक्टिव नहीं हुए, तो कहीं ना कहीं हमें यही शक जाता है कि हमारा जो इशू है वो ही खराब है। तो हमारे पास एक इशू रखा हुआ है, हम वो लगा के और देखते हैं हमारे ये फाल्कन इनएक्टिव होते हैं या नहीं होते। तो चलिए एक बार हम इशू चेंज कर लेते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं। ये हम दूसरा इशू लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं हमारे ये फाल्कन इनएक्टिव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि इशू में ही प्रॉब्लम है तो दूसरा लगा के हम फिर लैपटॉप लगा के देखते हैं। ये दूसरा इशू हमने लगा दिया है और लैपटॉप कनेक्ट करते हैं। हमने 6 नंबर की एक वायर हटा दी है ताकि हमें अच्छी तरह क्लियर हो जाए, क्यों 6 नंबर की पिन, वो इंजेक्टर के पिन हटाने के बाद में हमारा सिर्फ एक 6 नंबर का ही कोड दिखाई देना चाहिए। वो हमने इसलिए कराया ताकि आपको भी ये चीज़ देखने को मिल जाए कि अगर कोई एक इंजेक्टर ख़राब होगा तो कौन सा कोड आएगा। तो ये हमने रिफ्रेश कर दिया तो ये देखिए हमारे 6 नंबर का ही इंजेक्टर आया हुआ है और बाकी का कोई भी नहीं आया है। तो चलिए इसकी भी वायर लगाते हैं और देखते हैं हमारा ये इनएक्टिव हो रहा है क्या। 6 नंबर इंजेक्टर के भी हमने जब कनेक्शन कर दिए हैं तो ये देखिए हमारा ये भी इनएक्टिव हो गया है। तो इसका मतलब हमारा इशू ही ख़राब है, ये अब हमने कंफर्म कर लिया है। तो फ्रेंड जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में कि हमारे इशू में प्रॉब्लम है और हमने उसको किस प्रकार से चेक किया है। इस वीडियो संबंधित अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा आपके हर डाउट को क्लियर करने की। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर।